आज के लेक्चर में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला लेक्चर क्या था? एन टाइप सेमीकंडक्टर और जो एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसके बारे में डिस्कशन था, तो आप लोगों को वो लेक्चर पहले देख लेना चाहिए, ठीक है, फिर हम लोग इसमें आते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया गया था, ठीक है। इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर की। तो इसमें हम लोग पी टाइप जो बनाएंगे ना उसमें पेंटावेलेंट नहीं बल्कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ट्राईवेलेंट एटम्स का कुछ नाम लीजिए जो ट्राईवेलेंट होता हो, जिसके वैलेंसी 3 होता हो, है। हेयर डोपिंग इम्प्योरिटी, डोपिंग मतलब मिक्स करना, डोपिंग इम्प्योरिटी इज ट्राईवेलेंट एटम लाइक एल्युमिनियम, ठीक है, या बोरॉन होता है। इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें 4 वैलेंसी है, इसमें 3 वैलेंसी है। तो इसका मतलब कि जब एक कोई ट्राईवेलेंट एटम सिलिकॉन का जगह ले लेगा तो वो 3 बॉन्ड तो आसपास के सिलिकॉन से बना लेगा लेकिन एक बॉन्ड नहीं बना पाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम का 13 होता है ना जी एटॉमिक नंबर, तो उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 होगा, यही ना। तो वैलेंस में इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है और 3 इलेक्ट्रॉन है, 2s में और 1p में। तो व्हेन एल्युमिनियम इज डोप्ड, एल्युमिनियम रिप्लेसेस सम ऑफ द सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसमें कुछ एल्युमिनियम, कुछ सिलिकॉन के जगह पे एल्युमिनियम बैठ गया है, ठीक है। सिलिकॉन का क्रिस्टल पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया कि कैसा होता है, कैसे उसकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बट इट डज नॉट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम, समस्या हो गया, ठीक है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, ऑन 1 रिमेंस वैकेंट, ठीक है। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। ये आपका पी टाइप है, ठीक है, पी टाइप, इसको ध्यान से देखिए, ये क्रिस्टल है, पी टाइप क्रिस्टल, पी टाइप क्रिस्टल है। और इसमें क्या क्या देखिए, मान लेते हैं ये एक एल्युमिनियम है, सब जगह सिलिकॉन 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 है लेकिन एक जगह यहाँ पे एल्युमिनियम और यहाँ पे एल्युमिनियम दिखाया, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम में 3 है, ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये बॉन्ड बना पा रहा है, ठीक है। कैसा बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, यहाँ भी ये बना, ये बना, ये बना, लेकिन एक बॉन्ड नहीं बन पाया है। कौन सा बॉन्ड? यहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो ये जगह वैकेंट है, और इसी तरह से यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है, नहीं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। पहले बात तो ये बॉन्डेड हो जाने, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिलिकॉन के न्यूक्लियस के पास सिलिकॉन से है अटैच्ड, और ये इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, ठीक है। जबकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उससे कहीं कम एनर्जी में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका जगह ले लेगा, यहाँ कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके लगे, ठीक है। यही मेन रीजन है कि इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं बोल करके एक्सेस होल बोलते हैं, वैकेंसी बोलते हैं। यहाँ क्लियर हुआ आपको कि एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गया है और एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो बजाय ये बोलने के कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्स्ट्रा बचा है, नहीं बोलते हैं हम लोग, कहते हैं एक वैकेंसी क्रिएट होगा, रीजन क्या है बता दिया। तो दिस इज ए होल, एक होल क्रिएट हुआ है। तो डोपिंग जो है, डोपिंग मतलब इम्प्यूरिटी की वजह से हुआ है ये होल, ठीक है। ये होल, ये क्या करेगा, होल एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इसको एक्सेप्टर, एक्सेप्टर डोनर, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहते हैं। जिस तरह से उसमें डोनर इम्प्यूरिटी बोले थे, इसमें इस इम्प्यूरिटी को एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहेंगे। ये क्या करेगा, इस होल को दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल अप करेगा और ये फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, समझिए। होल इलेक्ट्रॉन का जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में होता है उसका डिस्कशन हम लोग थोरोली फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ होल्स को बढ़ाया जा रहा है डोपिंग के जरिए, मिक्सिंग के जरिए। तो ट्राईवेलेंट एलिमेंट को डोप कर दिए हैं जिससे वैकेंसी क्रिएट ज़्यादा हो गया है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो गया, और ये नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होने से क्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी में होल का भी रोल रहता है और इलेक्ट्रॉन का भी रोल रहता है। तो आप कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाइए जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हुआ, या फिर आप होल को बढ़ा दीजिए जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि क्यों हुआ ये चीज़, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स अगर इसमें लिखा जाए तो क्या, जैसे एक नंबर पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि डोपेंट इज ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा जाए, वन ऑर्बिटल रिमेंस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड विच इज ए होल, ठीक है, एंड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये होल क्या कर सकता है, विच कैन इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है, ए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बॉन्ड कैन फिल दिस वैकेंट स्पेस एंड ए न्यू होल विल बी क्रिएटेड। इन दिस वे होल मूव्स। ये जो होल का जो मोशन है वो फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में होल का मोशन जो है उसका एक एनिमेशन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से होल का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो उसका डिस्कशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज मोटा मोटी तौर पे समझ में आ गया। अब थोड़ा इसका एनालिसिस में चलते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। फॉर फिलिंग होल बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एट आउटर लेवल एट एक्सेप्टर लेवल। मतलब एक होल को भरने के लिए किसी दूसरे के पास के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए क्या होता है, एक बॉन्ड टूटेगा दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, केवल बॉन्ड का टूट के फिर वापस बन जा रहा है। ज्यादा एनर्जी जो भी एनर्जी बॉन्डिंग में लगता है वो बॉन्डिंग तो कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो रहा है, एक जगह टूटा तो दूसरी जगह बन गया। और इसमें बहुत कम एनर्जी होगा लगता है, और ये एनर्जी जो है इट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये है आपका, बहुत कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कंपेयर टू अगर आप देखिएगा कि अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टूट करके कंडक्शन बैंड में जाना है केवल, तो कितना दिक्कत होता है, यहाँ वो नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा, दिस एनर्जी इज इजिली अवेलेबल इवन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया पॉइंट। हेंस लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो कंडक्टिविटी बढ़ गया होल के आने से, क्लियर है। ए ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम एंड देयर फोर इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। ये बात क्लियर हो गई आपको, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी क्या होता है और डोनर इम्प्यूरिटी क्या होता है, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ डोपिंग। जितना ज्यादा डोपिंग दीजिएगा उतने नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। मोर इम्प्यूरिटी मीन्स मोर होल्स, विच मीन्स मोर कैरियर डेंसिटी। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है कितना डोपिंग है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बट इश्यू ऑफ रिकम्बिनेशन इज देयर। अगर आपने नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो उसमें है काफी, तो वो क्या करेंगे, किसको भर देंगे, ज्यादा जो होल्स बन रहा है उसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक रिलेशनशिप भी है नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर का स्क्वायर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। याद कीजिए, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में। इसमें एन ई क्या है, एन ई एन ई एन आई पता है, एन आई है इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, मतलब प्योर जो सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम है उसमें कितने नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कैरियर डेंसिटी मतलब यही हो गया। सो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन पेयर होल पेयर मे जनरेट एज यूजुअल विद थर्मल एनर्जी। जब भी आप पी टाइप की बात करिए या एन टाइप की बात करिए, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर की वजह से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बनना था टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी की वजह से, उतना तो बनेगा यहाँ पर भी, ठीक है। होल इज हेयर बोथ ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एंड ड्यू टू इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों की वजह से। जब हमने इम्प्योरिटी डाला तो उसकी वजह से नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हुआ, लेकिन जो उसके प्योर नेचर की वजह से था वो भी है। तो इसमें नंबर ऑफ होल बढ़ गया, नंबर ऑफ होल जो है वो नंबर ऑफ होल ड्यू टू इंट्रेंसिक प्लस नंबर ऑफ होल ड्यू टू क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ए, ठीक है। ये हो गया ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये डेंसिटी है, नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, याद रहे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स है इक्वल टू नंबर ऑफ, ये इंट्रिंसिक के लिए मतलब प्योर, क्लियर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स जो होगा ना उसमें 90% डोनर एक्सेप्टर की वजह से आएगा, इम्प्योरिटी की वजह से, और 10% जो है वो प्योर की वजह से आया इंट्रिंसिकली, ठीक है। 90% ऑफ इट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टर और 10% कहाँ से आता है, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है, क्लियर। या आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक समझने में। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों मिला करके नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डेंसिटी के टर्म में पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स विल बी, तो इसमें मेजोरिटी, तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। होल इज दी मेजोरिटी चार्ज के लिए, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एन टाइप में ठीक इसका उल्टा था। अगर एनर्जी डायग्राम के रूप में देखें हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, तो कैसे दिखाई देगा, मान लेते हैं ये जो है आपका कंडक्शन बैंड है, और सपोज कीजिए इसी के नीचे यहाँ पर ये जो है वैलेंस बैंड, ये प्योर सिलिकॉन का है, ठीक है।
प्योर सिलिकॉन में ये गैप हमें पता है कितना होता है, ये करीब करीब सिलिकॉन ले लेते हैं तो 1.1 होता है ना ईजी, ये ईजी होता है, काफी होता है जो भी है। लेकिन जब डोनर करते हैं, होल डोनेट किया जा रहा है यहाँ पर, तो होल तो हमें पता है इसके आसपास क्रिएट होता है, मान लेते हैं 2-4 होल ऑलरेडी क्रिएटेड है इसकी वजह से, किसकी वजह से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है उससे होल क्रिएट हुआ है, तो ये हो गया वो 10% वाला होल, ठीक है, इसको भर दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी कुछ होल्स है जो होल जो है वो इम्प्यूरिटी की वजह से आया है, ठीक है, इम्प्यूरिटी की वजह से, तो एक्सेप्टर लेवल जो है वो यहाँ पे, यहाँ पे। तो होल का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, बैलेंस बैंड में कि कंडक्शन बैंड में? तो आप पाइएगा कि वो बैलेंस बैंड में होता है, तो उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, बहुत छोटे से इतना गैप में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये गैप जो है यही आपका 0.01 है फॉर जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के केस में, ये गैप, समझ रहे हैं, बहुत कम है। तो इसमें अगर बहुत सारा होल दिखाएं कंडक्शन बैंड में, तो आपको पता चलेगा कि जैसे यहाँ पर कितने दिखा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9, 10 ले लेते हैं, तो 10 में से एक होल जो है वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया है इसकी वजह से हुआ है, और बाकी होल जो है वो किसकी वजह से है, इम्प्यूरिटी की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे 9 out of 10 होल इज ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। तो आपको दिख रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में कंडक्ट करा रहा है, ये माइनॉरिटी हो गया, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये सब जितने होल्स हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। केवल एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट हुआ है इंट्रिंसिकली, थर्मली, ठीक है। हियर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप इज पॉजिटिव टाइप बट न्यूट्रल, ध्यान रहे क्यों है ये पॉजिटिव टाइप, सोचिए एक मिनट, पी टाइप इज पॉजिटिव टाइप बट न्यूट्रल, कोई कहीं से चार्ज नहीं हो जा रहा है, ये न्यूट्रल ही रहता है क्रिस्टल। अगर आप पी टाइप की बात करते हैं तो जो एल्युमिनियम आप उसमें डोपिंग किए उसमें कहीं चार्ज तो नहीं था, ठीक है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन सेल में था तो उसके पास अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी उतना ही था। अब वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, जब उस होल को भरने के लिए कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर में, उस वाले एल्युमिनियम के ऊपर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और दूसरे जगह पे जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन कूद के गया है वहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो एज ए होल तो वो न्यूट्रल ही रहता है, जिस भी सिलिकॉन एटम से टूट करके वहां पे जाता है होल को भरने के लिए तो नया होल पीछे क्रिएट करता है ना, ये बात हो गई। चलिए कुछ डिफरेंसेस देखते हैं पी टाइप और एन टाइप के बीच में क्या क्या है, पी टाइप और एन टाइप क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस अगर आप लिखिए तो डोपेंट का प्रॉपर्टी दे दीजिए, इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी या डोपेंट होता है, और एन टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज इन वैलेंस सेल, गलत। पी टाइप में क्या हो जाएगा, देयर इज ए लैक ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड नहीं बन पाता है इससे, ठीक है, और वही होल हो जाता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग होल बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उसके बाद बच जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस आ जाएगा चार्ज कैरियर जो होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इसमें एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके हमने क्या कहा कि अगर Ne इम्प्योर सेमीकंडक्टर में Ne इंटू NH देखा जाए तो वो Ni स्क्वायर के बराबर, इसका रीजन बता दिए ना क्या होता है, कि अगर आप डोपिंग का लेवल बढ़ाते जाइएगा तो कंडक्टिविटी बिल्कुल बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस जो है वो होने लगेगा, ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आई होप क्लियर हो गया, यही है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यही है आपको समझना है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, पी टाइप क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप क्यों बोलते हैं, एन टाइप को नेगेटिव टाइप क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जा करके पीएन जंक्शन डायोड के बारे में सीखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।